आज फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड होने वाली नई सीरीज के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम एक बार बार ये भी कहेंगे कि हम न्यूजीलैंड की जो यहाँ पे टीम पाकिस्तान में आई है उनका बहुत वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान में खेलने के लिए वो राजी हो गए और पिंडी के ग्राउंड में ये मैच खेले जाएंगे। दोस्तों से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्रिकेट सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अब हम बात करते हैं कि पहले ओडीआई मैच की, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टोटल मैचेस 3 ओडीआई हैं, इनके पहले ओडीआई मैच की बात की जाए तो ये 17 सितंबर को खेला जाएगा और 2:30 PM पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस मैच के इनके पहले ओडीआई मैच की वेन्यू की बात की जाए, पाकिस्तान खेला जा रहा है और वो वेन्यू का नाम है पिंडी क्लब ग्राउंड। ये दोस्तों रावलपिंडी में एक बहुत मशहूर स्टेडियम है, वहाँ मैच खेला जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम बहुत सालों बाद पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आई है। इनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया गया है और इन्हें दिखाया गया है पाकिस्तान कितनी अच्छी खातिरदारी करते हैं, इनकी अच्छी तरह इनकी हॉस्पिटैलिटी की जा रही है और हमें उस बात बहुत खुशी है। दोस्तों हम बात करते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आपस में खेलने वाले ओडीआई मैच का रिकॉर्ड कैसा रहा है जो पिछले मैचेज हुए हैं आज तक हिस्ट्री में। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं, इनके जमीन टोटल मैच 105 हुए हैं जिनमें से दोस्तों इनके टोटल मैच की बात की जाए 107 इनके टोटल मैच हुए हैं जिनमें से 55 मैचेज पाकिस्तान जीते हैं और 48 मैचेज न्यूजीलैंड जीते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम आगे रही है और न्यूजीलैंड को हराती रही है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आएगी और बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है, एक अच्छा कंपटीशन होता है। अब देखते हैं कि स्क्वाड कैसी है ताकि और ज़्यादा हो जाए कि आपस में मुकाबला कैसा होने वाला है। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में कौन कौन प्लेयर शामिल हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स में अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, खुशदिल शाह, कादीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन अफरीदी, शाहनवाज जहानी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद है। दोस्तों ये थे उन प्लेयर्स के नाम जो कि पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड में शामिल हैं इस ओडीआई सीरीज में जो कि न्यूजीलैंड से खेली जा रही है। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम में कौन कौन प्लेयर शामिल किए गए हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम में फिन एलिन, हेनरी निकोलस, विल यंग, कोलिन मैककॉय, कोलिन डे, डार्ली मिचेल, सचिन रविंद्रा, टॉम ब्लंडेल, टॉम लैथम, एजस पटेल, ब्लेयर टिकनर, डॉग ब्रेसवेल, हैमिश बेनेट, जैकब डफी, मैट हेनरी और शॉट क्यूगन है। दोस्तों ये थे न्यूजीलैंड प्लेयर्स के नाम जो कि हमें ओडीआई सीरीज में खेलते नजर आएंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेली जा रही है। दोस्तों ये थी स्क्वाड की हमने डिस्कस कर ली, हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस कर लिया, इनका वेन्यू टाइम हर चीज आपसे चेक कर दी गई है। दोस्तों मैच को लाइक करें, शेयर करें और अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आप कि कौन से चैनल पर जाकर किस वेबसाइट जाकर ये मैच देख सकते हैं। अगर वेबसाइट का नाम लिया जाए तो एक वेबसाइट बहुत बेहतरीन है INVSPass.com। इसका बेहतरीन एक जो बात है वो ये है कि इस पर जाकर आप हर एक मैच लाइव देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में बगैर किसी रुकावट के। अगर आप टी वी चैनल देखना चाहते हैं, घर बैठ देखना चाहते हैं तो टी वी चैनल के नाम लिए जाएँ जिस कंट्रीज के लिहाज से, तो पाकिस्तान में रहने वाले 10 Sports पर जाकर ये मैच देख सकते हैं, इंडिया में रहने वाले हॉटस्टार ऐप पर जाकर और UAE में रहने वाले AD Sports पर जाकर, जबकि UK में रहने वाले Fox Sports पर जाकर ये मैच देख सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग चैनल के नाम। अब हम कंपटीशन की बारी आ चुकी है। दोस्तों जैसे कि हमने आपसे इनका स्क्वाड भी डिस्कस की, अब हमने इनका हेड टू हेड भी देखा, हेड टू हेड में तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान टीम 55 मैच जीती है और न्यूजीलैंड 48 मैच जीती है। ये बात बिल्कुल वाजे तौर पर शामिल है कि ज़्यादा चांस पाकिस्तान के ही है और जिनकी वोटिंग आती है ऑनलाइन उसमें पाकिस्तान आगे रही है। दोस्तों हम ये प्रेडिक्शन करेंगे ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल की टेली को सब्सक्राइब कर दें।